ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख मास के 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो तीन तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुण्यकारिणी कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पान करवाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को वापस प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो इन तीनों तिथियों को प्रीति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पोत्र आदि फल देने वाली और मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे इन तीन तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मन्वंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन तीन तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितृश्वर गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतएव वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों का नाश करने वाली हैं तथा तीनों पुष्करणी कहाती हैं, पुत्र और पोत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं तीन दिन में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन तीन तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल कहने की तो सामर्थ्य स्वर्ग अथवा पृथ्वी में किसी में भी नहीं है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूर से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा गुरुघाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अर्ध श्लोक या चौथाई श्लोक पढ़े तो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। इन तीन दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है। इन तीन तिथियों में विधिवत भगवत पूजा स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए हैं। कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख के पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परमपद पा जाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवनों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप दूर कैसे होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थ हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्त्रोतों द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हमें स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं, तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं।
कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है, ये 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। जो कोई भी प्राणी इन दिनों में सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पापों से छूट पुण्य निरूप और निर्मल हो जाएगा। उन 3 दिवस के बीच में जो कोई स्नान नहीं करते हैं उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद भगवान विष्णु ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे, योग बल से वही अंतर ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले आए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मन्वंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महत्तम महाबुद्धि श्रुत कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसे जैसे सुना या देखा तद अनुसार ही माधव मास की कथा का वर्णन किया। इस महत्तम को पूरी पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई, तब असमर्थ हो चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णतया नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महत्तम वर्णन किया है, परंतु हे राजन किसी ने अंत नहीं पाया, असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तू वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर, इससे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुत देव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब महाराज जनक उत्सव करने में प्रवृत्त हुए और अपनी वृद्धि के लिए श्रुत देव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कराकर चतुरंगनी सेना के संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख नमस्कार कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुत देव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, इसी से भोग ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर से सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर फिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोक को चले गए, क्योंकि श्राप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राजऋषि अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाशकर्ता और पुण्य को बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है उसके तो हाथ ही में मुक्ति है, सुनने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। 25वां अध्याय पूर्ण हुआ और वैशाख महात्म की कथा भी संपूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसने विनायक की कथा सुनने का नियम लिया हुआ था और किसी को सामने बिठाकर कहानी सुनने का विधान होता है, लेकिन कोई सुनने के लिए सामने ना हो तो हम एक पानी का लोटा भर के रख लेते हैं। पर बुढ़िया माई ने क्या किया कि एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनवा के अपने पास रख रखी थी, पानी का लोटा भर के और गणेश जी की मूर्ति रख के बुढ़िया माई अपनी कथा सुन लेती रोज। जब तक वो कथा ना सुनती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। एक बार गली के कुछ बच्चों को ऐसे पता लगा कि बुढ़िया माई जब तक गणेश जी की कथा नहीं सुनेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, तो उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया, बुढ़िया माई के गणेश जी को छुपा दिया
और बोले कि देखेंगे बुढ़िया माई क्या करेगी। एक दिन हो गया, गणेश जी नहीं मिले। सबसे पूछा, किसी ने मेरा विनायकिया देखा है क्या, किसी ने मेरा विनायकिया देखा है क्या, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरी। घर के किसी सदस्यों को भी नहीं पता था, गली के बच्चों ने शरारत करी थी। दो दिन हो गए बुढ़िया माई ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तीन दिन हो गए बुढ़िया माई की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई ने अपना प्रण नहीं तोड़ा। गणेश जी महाराज को चिंता होने लगी कि ऐसे तो बुढ़िया मेरी भक्ति करती है, मेरी अनन्य भक्त है, क्या किया जाए। गणेश जी महाराज बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर बुढ़िया माई के पास पहुँचे और बोले, बुढ़िया माई कैसी हो। बुढ़िया माई बोली कि बाबा मेरा गणेशिया किसी ने चुरा लिया। तो बोले, क्या हो गया। तो बाबा, मैं जब तक गणपति जी की कथा ना सुनूं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ। तो बूढ़े गणेश जी बोले कि सामने वो लगे हुए हैं ना खाती, मकान बन रहा है ना, उनसे एक छोटा सा भी नायकिया बनवा के लिया। बुढ़िया माई बोली ठीक है। बुढ़िया माई चल दी, जाके उनसे बोली कि भाई मेरा एक छोटा सा विनायक बना दो, गणेश जी की मूर्ति छोटी सी बना दो। वो बोले, ना भाई बुढ़िया माई, हमें फुर्सत नहीं है, हम तो कोई दरवाजे बना रहे हैं, कोई खिड़की बना रहे हैं, कोई अलमारी बना रहे हैं, हमें तेरा विनायक बनाने की फुर्सत नहीं है, जा अपने घर चली जा। बुढ़िया माई रुआंसी होकर वापस घर आ गई। जैसे ही बुढ़िया माई वहाँ से पलटी, उनका वहाँ पे सारा उल्टा पुल्टा हो गया। दरवाजे टूट गए, खिड़कियाँ टूट गई, दरवाजों की जगह खिड़की हो गई, खिड़कियों की जगह दरवाजे हो गए, अलमारियाँ टूट गई। तो एक उनमें से बंदा बोला कि जब से वो बुढ़िया माई आके गई है, उसी के बाद गड़बड़ हुई है, हमने बुढ़िया माई के विनायक नहीं बना के दिए। चलो बुढ़िया माई को बुला के लाते हैं और उनका विनायक घड़ के देते हैं। भागे पीछे पीछे बुढ़िया माई के, बुढ़िया माई रुक जाओ, बुढ़िया माई रुक जाओ, हम आपका विनायक घड़ देंगे, हम आपके लिए विनायक बना देंगे। बुढ़िया माई उनके साथ वापस चल दी। जैसे बुढ़िया माई वहाँ पे पहुँची, उनका सारा घर का सारा सब कुछ ठीक हो गया, दरवाजे खिड़की अलमारियाँ। उन्होंने बोला, बुढ़िया माई हम एक क्या तेरे चार विनायक की मूर्तियाँ बना देंगे। उन्होंने विनायक जी की मूर्ति बनाकर बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया माई ले गई अपने घर और कथा सुनी, कथा सुन के बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही बुढ़िया माई की कथा पूर्ण हुई, विनायक जी महाराज सामने से प्रकट हो गए। बोले, बुढ़िया माई मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। बुढ़िया माई बोली, मैं क्या वर मांगू, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। विनायक बाबा बोले कि बुढ़िया माई मांग लो, कुछ भी वर मांग लो। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे अन्न धन सब कुछ दो और अपनी भक्ति दो, मैं इस संसार में सुखपूर्वक जीऊँ और उसके बाद आपके भगवान के विष्णु लोक को जाऊँ। ऐसा सुनते ही गणेश जी महाराज ने तथास्तु बोला और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जैसे बुढ़िया ने अपनी आँखें खोली तो देखा कि सारा बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, धन संपत्ति से भरा हुआ है। तो बुढ़िया माई ने इस संसार में खूब सुख भोगा और उसके बाद उसने मोक्ष को प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई की विपदा को हरा, ऐसे हम सब की भी विपदा को हरना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हुंकारा भर रहा हो, उन सब की भी विपदा को हरना। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।